अगली फरमाइश, तो खुद ही देख लीजिए ये कौन है, इनकी फरमाइश क्या है। सूरज हुआ मध्यम, फारा सिंस द किड्स आर परफॉर्मिंग टू सूरज और मदम, आई वांट टू रिमाइंड यू कि जिस तरह मैंने आपको टॉर्चर किया ड्यूरिंग दिस सॉन्ग, ये गाना जो था 8 दिन हमें लगे और इजिप्ट के इर्द गिर्द हम घूमने गए, एक गाने के लिए हमने कुछ हजार लोकेशंस देखे। फारा, आई एम श्योर व्हेन यू थिंकिंग ऑफ ऑल दोस डेज वी स्पेंट इन इजिप्ट, यू आर स्टिल सेंडिंग मी ऑल दैट बैड वाइब एंड एनर्जी, आई कैन फील इट, आई कैन सी इट राइट नाउ, बट इट वाज वेल वर्थ इट बिकॉज़ वी सॉ द वे द सॉन्ग टर्नड आउट, ऑल थैंक्स टू मी नॉट यू, नो आई एम लाइंग, इट्स ऑल थैंक्स टू यू। मनोज हंसिका, गुड लक। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, समी चलने लगी, धड़का ये दिल सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है, रात जगने लगी, शोलों के दिल में भी आग जलने लगी। मैं ठहरी रही, जमीन चलने लगी, धड़काई दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। यार मैं इनका डांस देख रहा था तो मेरी सांस सूख रही थी। आप लोगों की क्या हालत थी पहले तो स्किपर्स आप बताइए, आपको टेंशन हो रही थी? बहुत ही ज्यादा टेंशन थी कि सब कुछ स्मूथ जाए अच्छी तरह से, और जैसे कि वो गया और बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने निभाया अपने परफॉर्मेंस को। सो वी बोथ आर वेरी हैप्पी एंड वी बोथ आर वेरी प्राउड दैट दी हंसिक एंड मनोज इन आवर टीम। यार मेरा दिल था ना वो यहाँ पर आ गया था मुंह में, बिकॉज आई वॉज सो
मुझे पता नहीं था कि मैं स्कैर्ड हूँ कि मैं अप्रिशिएट करूँ या मैं इंजॉय करूँ, क्योंकि लगता तो बहुत इजी है, क्योंकि ना हार्नेस है ना कुछ है, एक मैट है छोटा सा बस. तो मैं बच्चों को घर पे कहूँगी ये प्लीज़ ट्राई मत कीजिए, दीज गाइज हैव बीन सुपरवाइज बाय एक्सपर्ट्स. और ये गाने के बारे में वैशाली और मयूरेश, जैसे करण ने कहा, मुझे बहुत सारी लोकेशंस में ले गया, वो पूरा इजिप्ट घुमा लिया. रोज एक दिन हम एक जगह पे शूट करते फॉर द सॉन्ग टू लुक सो ब्यूटिफुल. काश सिर्फ ये एक बॉल रिंग दिया होता और शाहरुख काजल को हम अंदर डाल देते उसके, तो हमें पूरी इजिप्ट के चक्कर लगाने नहीं पड़ते, बिकॉज दिस एक्ट ऑन दिस सॉन्ग वॉज जस्ट स्पेक्टेक्युलर. इट वॉज जस्ट स्पेक्टेक्युलर. थैंक यू सो मच. आई थिंक कभी भी बच्चों के शो में इतना इंट्रिकेट एक्ट अभी तक नहीं आया है. I don't think so. So hat, I think this time Sandeep hat, jacket, pant, shirt, सब off करने वाला है. मैम आप ही ने हमको ये सजेशन दी थी लास्ट टाइम कि बच्चों के साथ डिफिकल्ट कोरियोग्राफी होनी चाहिए. और स्पेशली हंसी. और मैं सारे स्किपर्स को ये वापस यही कहूंगी, दे आर बेटर देन ऑल एडल्ट्स. तो उनको बच्चा छोटा बच्चा जान के उनको दो बड़े बड़े, मतलब उनको जितनी इंट्रिकेट कोरियोग्राफी हो, दीज किड्स आर ब्रिलियंट, दे कैन कैरी इट ऑफ. संदीप सर, मयूरेश आप पहले सीजन में आपको इस में माहिर थे आप, बट आई थिंक आपके दोनों बच्चे जो हैं वो आपके बाप निकले, रियली आपके बाप निकले. आई थिंक दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. और फारा ने बोला है और मैं भी ये मानता हूँ, पैंट्स ऑफ तो नहीं होगा, जैकेट ऑफ तो नहीं होगा, बट अ वेरी 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 बिग हैट्स ऑफ. सर मैं आपके साथ एक बार डांस करना चाहता हूँ. ये वाला पागल हो क्या? नहीं ये वाला नहीं, कुछ अलग वाला. गिर जाएगा, वो भी परा मैम के गाने पे. प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज मेरे साथ. इवन आई वांट टू सी संदीप, कम ऑन संदीप सर. परा मैम आप ही, परा मैम, परा मैम, परा मैम. और मैं चाहता हूँ आप भी आ जाओ प्लीज. धर्मेश सर, अजय सर आप भी आ जाओ. बहुत शौक की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ. ए 1, 2, 1, 2, 3, 4. Come on, Sandeep sir. तेरी पायल छनछना छन ऐसे छनके करते सबको घायल. कह रहा हो का काजल इश्क में जीना मरना. ये से शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा माहिया से शाबा शाबा. इस बात पे अगर आज यहाँ पे अभी ग्रैंड मास्टर होते तो वो जरूर कहते क्या बात क्या बात क्या बात. मम्मी जी, बोलो जी, क्या कहती हैं आप इस परफॉर्मेंस के बारे में? बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश. ऐसे मम्मी जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, फारा मैम जो है आपने कहा बचपन से डांस करती है, उनको बहुत अच्छा लगता था, ऐसा डांस भी कभी उन्होंने किया, ऐसा ट्राई किया था? अरे बहुत अच्छा किया उसने, सच्ची में. कब? सी रॉक होटल था ना, वहाँ हर साल होता था डिस्को कंपटीशन ऑल इंडिया, उसमें सिर्फ 5 या 6 कपल्स होते थे, एंड वो और उसका पार्टनर हमेशा ये लिफ्ट्स और बॉल और रिंग भी नहीं यूज करते थे, सिर्फ लिफ्ट्स और क्या क्या करते थे. तब मैं 47 किलोज की थी, इसलिए मेरा पार्टनर मुझे उठा सकता था. पार्टनर 37 था. दूसरी बात बता रही हूँ डिस्को का,
वो पहले एक दो साल वो सेकंड आती थी, फिर थर्ड ईयर में शी वन द ऑल इंडिया डिस्को कंपटीशन, और उसको मॉरिशस के दो टिकट दिए जाने के लिए. और उस टाइम हम लोग वी वर नॉट कड़के थे, मम्मी बोल दो, हम लोग बहुत कड़के थे और घर का काम करवाने का था, पैसे मतलब जुड़ नहीं पा रहे थे. तो उसने टिकट मेरे को दे दिया, बोला मम्मी आप पूछो जनरल मैनेजर से अगर पैसे मिलते, क्योंकि मैं मॉरिशस जाके क्या करूँ जब घर का काम ये सब करने का तोड़ फोड़. तो शी वॉज वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल. फर्स्ट टाइम मुझे बहुत कॉन्टैक्ट लेंजेस पहनने का शौक था, तब इट वॉज क्वाइट, इट वॉज अबाउट 800 और समथिंग, कुडंट अफोर्ड इट. तो हमेशा मैं बोलती थी मी एंड माई सिस्टर इन लॉ कभी कॉन्टैक्ट लेंजेस लेंगे, जमा करेंगे पैसे. तो फर्स्ट टाइम व्हेन शी कॉलेज में पढ़ती कम थी, वो साइड मतलब वो कुछ फॉर्म भरने का कि कौन सा तेल यूज करते क्या, वो बच्चे लोग करते रिसर्च कमाती थी, वो मार्केट सर्वे. शी गॉट 800 एंड शी केम एंड गिव इट टू मी. तो मैं समझी कह के बोली यू वांट कॉन्टैक्ट लेंसेज नो, मेरे कॉन्टैक्ट लेंसेज से ही रोना आ गया उसके बाद. क्या बात है, दैट इज रियली स्वीट यार. हमारी फराह खान मैम जो है जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है, यहाँ पे हर लिटिल मास्टर वही ऊंचाइयों को छूना चाहता है, पर उसके पीछे कितनी मेहनत है ये हमें यहाँ पे पता चला. मैम आपके लिए जोरदार तालियां, फराह मैम के लिए जोरदार तालियां. और मैं वापस यही कहूंगी कि मेरी ऊंचाइयां क्यों छूना चाहते हो, तुम लोग और भी ऊंचा बनो. आई ब्लेस ऑल ऑफ यूल, स्पेशली ऑल द स्किपर्स. I hope you all are all going to be world-renowned choreographers and dancers, and all the little masters, your future is very bright. Yes. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you.